अरे एक मिनट जाइए, आम आदमी पार्टी की जीत है वो एक ऐतिहासिक जीत है। जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना वर्चस्व बनाया और जिस तरीके से वहाँ से कांग्रेस को उखाड़ के फेंका, आज उसने पंजाब में भी यही किया। कांग्रेस की सत्ता को, कांग्रेस के सारे गुंडा प्रशासन शासन ने वहाँ से निकाल के फेंक दिया है और अब आम आदमी पार्टी बड़े विकल्प के रूप में भाजपा के सामने खड़ी है। अब भाजपा की लड़ाई सीधे आम आदमी पार्टी से है और आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके यूपी में भी गई थी। यूपी में क्या हुआ? देखिए यूपी में और भी संगठन है, जहाँ पर बहुत सारे संगठन होते हैं वहाँ समय लगता है, लेकिन यूपी में आम आदमी पार्टी ने अपना एक नाम बनाया है और वहाँ पर भी ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। क्या लगता है अगले साल जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं क्या उसमें लगता है लेकर क्या तैयारी है? देखिए आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव में पूरी तरह से उतर गई है और इस चुनाव को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। विधानसभा से पहले हम लोग अपना नाम, अपना वर्चस्व इस निगम चुनाव में बनाएंगे, अपनी पार्षद लेकर आएंगे और यहाँ से भी हम कांग्रेस को सबसे पहले भगाएंगे और भाजपा के साथ सीधे टक्कर। निगम में सीटें आने की उम्मीद है? जी हाँ बिल्कुल है। अभी हमें पंजाब का इंतजार था क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता ऐसे बैठे हैं जो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अपने आप को बड़े दिग्गज मानते हैं, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी में बातचीत करके रखी थी। अभी ही हाल में यूथ प्रभारी मध्य प्रदेश के अंकित डेढ़ा जी ने दिल्ली में जाके पार्टी की ज्वाइनिंग ली है परसों। तो कांग्रेस तो फिनिश है, तो आप देख ही रहे हैं कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की सुनामी है जिसमें सब डूबने वाले हैं।